यहाँ पे कुछ हिस्ट्रिकल चीजें निकली हुई हैं जो यहाँ पे शुरू में ही खुदाई इसकी हो रही थी जब इसको निकल। एक यहाँ पे एक पेड़ है गाइस जो कि बहुत ह्यूज है। ओ भाई साहब, वेयर आर यू फ्रॉम मैन? द सेंट्रल पॉन्ड। सनसेट, एक सनसेट देखिए, सुंदर सा सनसेट। कच्चे रास्ते, काफी ओल्डेस्ट मंदिर यहाँ का। यहाँ पे लोग बुद्धिस्ट लोग को ज्यादा पूजते हैं। यहाँ का फेमस प्लेस है। इस गेट का एक एग्जिट यहाँ पर, मगर एग्जिट खुला नहीं। आगे चल, यहाँ टूरिस्ट, यहाँ टूरिस्ट लोग की एंट्री ली जाती है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं नेपाल घूमने। नेपाल का एक फेमस जगह है, नेपाल का बोले तो फेमस नहीं, एक सिटीज का एक फेमस जगह है, वहाँ पे आए हैं घूमने हम लोग। क्योंकि कुछ ऐसा यहाँ का फेमस प्लेस है। यहाँ पे और भी बहुत फॉरेन लोग घूमने आते हैं यहाँ पे दूर दूर से। चलो दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, यहाँ की क्या क्या है, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, क्या आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बगल में चलने के लिए रास्ता नहीं है, यहाँ पे एक लकड़ी का ये बनाया गया है चलने वाला, जो इस पे चलते हैं। और देखो गाइस, वहाँ पे फॉरेन लोग खड़े हैं। और यहाँ पे कुछ फॉरेन लोग आए हुए हैं जो कि शायद चाइना से कि कहाँ से, पता नहीं, पूछने पता चलेगा। हाँ भाई, हम पूछ सकते हैं उनसे ना। यहाँ पे कुछ हिस्ट्रिकल चीजें निकली हुई हैं जो यहाँ पे पहले, ये जो सब दिख रहा है, माना जाता है कि बुद्धिस्ट राजा का प्लेस हुआ करता था, जो यहाँ पे रहने का कुछ सबूत निकला था खुदाई से। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कुछ बर्तन वगैरह है, ये कुछ वगैरह ऐसा ही कुछ चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्लस एवं मदुराई शॉप एंड स्नाइप श्रीनेस। यहाँ पे कुछ इसके डिटेल्स डाले हुए हैं, नेपाली और इंग्लिश में है सिर्फ। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। चलो और आगे दिखाते हैं। बहुत शांति इलाका है यहाँ पे, जैसे यहाँ आज शायद यहाँ पे कोई आया नहीं फॉरेन लोग, बस एक कुछ लोग आए हुए हैं। मतलब ये मेरा दूसरा बार है, लेकिन लमसम नहीं। हाँ, ये हम लोग का दूसरा एक्सपीरियंस है यहाँ का, मगर उस समय हाँ उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उस समय बहुत छोटे थे तब आए थे। लमसम 12 साल का, मतलब 12 साल हो गया यहाँ पे। हम लोग फॉरेन से पूछेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, पूछ सकते हैं ना ब्रो? पूछ सकते हैं। देखो गाइस, मैं भी चीन का हूँ यार सब लोग। एक यहाँ पे एक पेड़ है गाइस जो कि बहुत ह्यूज है। ओ भाई साहब, बहुत बड़ा पेड़ है यार। यहाँ के जितने पेड़ हैं सब बहुत बड़े बड़े हैं गाइस, देख सकते हो इनकी मोटाई, देख सकते हो। मैं अपना एक हाथ रख के दिखा दूं कि इन लोग की मोटाई कितनी हो सकती है, देख सकते हो भाई, मेरा हाथ यहाँ पे इतना है। और यहाँ पे पेड़ इतना ह्यूज है, पता है फॉरेन कंट्री में घूमने का मजा तब आता है जब लोग आपकी लैंग्वेज ना समझे और आप ब्लॉग कर रहे हो। समथिंग यहाँ पे दोनों भाषाएं बोली जाती है गाइस, यहाँ पे हिंदी और नेपाली दोनों चलता है, देख सकते। ये भी ट्री जो कि काफी ह्यूज है। एक और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है जो कि एंशियंट चीजों को दिखाया गया है यहाँ पर। ये क्या है? द सेंट्रल पॉन्ड। ये यहाँ का पॉन्ड था शायद। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं जो आप पोज करके पढ़ भी सकते हैं इसको। चलिए बाद में पढ़ेंगे। नहीं, वो व्यूवर्स लोग को बोलने हैं, पोज करके पढ़ भी सकते। वहीं चलते हैं यार, वहीं उन्हीं लोग के पास चलते हैं। देखो वो साफ सफाई कर रही है भाई, कोई कचरा कर दिया था। देख सकते गाइस, यहाँ पे जो पुराने लोगों का घर बना हुआ था यहाँ पे, वो अभी ऐसे ही पड़ी हुई है।
और ये नॉर्मल ईंटों से शायद डिफरेंट ईंट हैं, देख सकते हैं गाइस, ये सब नॉर्मल ईंटों से डिफरेंट ईंट हैं। यहाँ पे धूप बहुत तेज लग रही है गाइस, धूप बहुत तेज है एकदम सर पे ही है। एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है द नॉर्थन गेट और खाओ केंद्रीय भवन का, बाकी यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। आप लोग घर बैठे इस चीज की जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको पूरा बोर्ड दिखाऊंगा यहाँ पे जितने सारे इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं। ये बहुत एंशियंट चीज है यहाँ की, बहुत पुरानी, बोधिसत्व की जानते हो जो आप भी कहीं से भी बिलोंग करते होंगे तो बुद्ध भगवान को जरूर जानते होंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड सब कुछ है ये। द संग्रामा है ना, संग्रामा लिखा ना, संग्रामा, हाँ संग्रामा, देख सकते हैं यहाँ पे। जब गाय शुरू में खुदाई इसकी हो रही थी, जब इसको निकल रहा था तब का फोटोज है सब। बाकी यहाँ पे जो मैनुअल्स लिखा है आप पढ़ सकते हैं पहुँच करके। Where are you from, ma'am? I don't know. I don't know. फॉरनर से मिले तो ये लोग यूके की इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये लोग फ्रेंच की इंग्लिश जानते हैं। हाँ वो फॉरनर शायद यूके की इंग्लिश जानते होंगे। इतना तेज धूप है, हमको जाना है वहां पर, मगर हम उतना दूर घूम कर धूप में नहीं जाने वाले, इसलिए हम यहाँ से शॉर्टकट ही जाने की सोचे हैं। गाइस जो मंदिर दिख रही है बहुत ही ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा मेरा मेमोरी है इस मंदिर में। ये हम लोग आए थे और हम सब 11-12 साल हो गया और दूसरी बार आ रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस कितना पुराना हो गया है सब, और ये भी काफी ओल्ड, बहुत ज्यादा पुराना हो गया सब। चलिए अंदर इधर दिखाऊं गाइस, यहां पे एक और मैनुअल बोर्ड लगा हुआ है यहां पर, तो यहां का पूरा बताता है मंदिर का, बताता है ये क्या लिखा है। द समाई मैट टीम टेंपल लिखा ना, क्या लिखा है, द समाई मैट, समाई माई, समय माही टेंपल लिखा है, समय माही टेंपल, या काफी पुराना है ये मैनुअल। मैनुअल के पास यहां पे थोड़ा सा फोकस करो गाइस, व्यूअर्स पढ़ेंगे इसको, व्यूअर्स लोग आप इसको पोज करके पढ़ सकते हो। यहां पे कुछ मैनुअल्स लिख रहे हैं, 1899 में ही बना था गाइस ये, भाई काफी पुराना है यार, देख सकते हो गाइस कितना पुराना है। यहां पे एक दीवाल का एक कुछ बना हुआ है जो कि आधा ये पेड़ में ही है और आधा बाहर है, इसको सामने से दिखा सकते हैं गाइस आपको, एक सामने से दिखा, अभी दिखा रहे हैं सामने से, फ्रंट लुक दिखाते हैं इसका, देख सकते हो गाइस फ्रंट से कैसा लुक आ रहा है। गोड भाई लो ये देख सकते हो कितना ज्यादा पुराना है,
शायद जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों का है। चले आगे चले। गाइस यहाँ पर घूमते घूमते हम लोग को लग गई है प्यास, और यहाँ पे एक नल दिखा है जो कि बहुत साल पहले आया था तो पीने लायक था। देखते हैं हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे नल है कि नहीं है। काफी ज्यादा हो गया। चल दे देखते हैं गाइस पीकर कैसा लगता है इसका टेस्ट वाटर का। देख सकते हैं गाइस आप लोग के पास शायद हैंड पंप देखे होंगे कि नहीं, वैसे सब देखे होंगे। गदर जिसने देखा है यही हैंड पंप जो गदर सनी देवल पाजी ने उखाड़ा था। सेम ही वैसा ही है। गाइस पानी टेस्ट करते लेते हैं। पानी तो बहुत ठंडा है, ये नेचुरल ठंडा वाटर पी के देखते हैं। गाइस हमको तो इस पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, मगर यहाँ के लोकल जो एरिया रखते हैं वो उन लोग को ये पानी का टेस्ट अच्छा लगता है। जैसे कि आदत की बात होती है, जैसे किसी को विस्की अच्छा लगता है किसी को सोडा अच्छा लगता है, वैसे समझ सकते हैं गाइस। यहाँ पर हिस्ट्री के लिए और इंस्टा के लिए एक देख दो पिक ले लेते हैं यहाँ पर। गाइस इस प्लेस का नाम है तिलोरा कोट और इसका मैप यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे कहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे कुछ सूचना, यहाँ पर भी मैप और यहाँ का इलाका कुछ इस टाइप का है। आज के ब्लॉग में गाइस बस इतना ही। अब आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में कहीं किसी और जगह पे। हम यहाँ पे और नहीं घूम सकते घूमने, अभी यहाँ पर बहुत सा जगह है जो हम हमें दिखाए नहीं, मगर यहाँ पे धूप बहुत तेज लग रही है इसलिए हम लोग स्किप कर रहे हैं ब्लॉग। अब किसी और वीडियो में कहीं और किसी और जगह को आपको दिखाएंगे जरूर। तो ठीक है गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।